सो हे एवियंस, मैं व्याम। होप करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज वीडियो हम लोग बात करने वाले बी एल एल बी फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा डिटेल, ठीक है। यानी बी एल एल बी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया जाता है, साथ साथ एग्जाम में क्या आता है, क्योंकि आपको पता है कि बी एल एल बी का जो सिलेबस होता है वो लगभग हर कॉलेज में सेम होता है। लगभग क्या, हमेशा सेम होता है, क्योंकि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड करता है। ये कोर्सेज जो होते हैं या फिर सिलेबस जो होता है आपका, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सिलेक्ट करता है। इसलिए चाहे आप जो है प्राइवेट कॉलेज में हो या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो, आपका जो सिलेबस है वो पूरा सेम रहेगा। तो देखिए, मैं आपको शुरू में बोल देता हूँ कि वीडियो हम लोग जो है जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो आपका भी बढ़िया है, मेरा भी बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा आपको पता है कि बीएलबी जो है 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें जो है 10 सेमेस्टर होते हैं। तो पहले सेमेस्टर की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर की बात हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जब भी आएगा। तो देखो, बीएलबी जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बता चुका हूँ। तो बीएलबी जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें आपके जो पहला कोर्स होता है English 1, ठीक है, जिसे हम लोग Paper 1 बोलते हैं। साथ साथ Paper 2 में हमारा जो है पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट आता है, ठीक है। वही हम लोग बात करें Paper 3 में, तो Paper 3 हमारा जो होता है फिलोसफी फर्स्ट का होता है। Paper 4 की बात करें तो सोशियोलॉजी फर्स्ट होता है। Paper 5 की बात करें तो वहाँ पे हमारा कंप्यूटर देखने को मिलता है। साथ साथ Paper 6 की बात करें, यानी कि आखिरी पेपर की बात करें, तो हमारा English 2, ठीक है। तो इन सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं Paper 1 यानी कि English 1 से। English 1 में आपका जो है वोकैबुलरी का, जैसे कि मुहावरे हो गए इंग्लिश वाले, फॉरेन वर्ड एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड दैट ऑफन कन्फ्यूज जो आप करते हैं, वो सब वाले जो है पहले पार्ट में आते हैं। यहाँ पे मैं English 1 की बात करूँ तो दूसरा पार्ट हमारा जो होता है ग्रामेटिकल होता है, जिसमें हमारा सिंगुलर प्लूरल पूछा जाता है, साथ साथ कॉनकर्ड होता है, डिटरमाइनर्स होता है, वर्ब्स होते हैं, टाइम एंड टेंसेस होते हैं, कंडीशनल्स होते हैं, पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ये हमारा Part 2 है। Part 3 में बात करें तो रीडिंग स्किल है, जिसमें आपके एक इंटेंसिव होती है, दूसरा हमारा एक्सटेंसिव होती है। एक्सटेंसिव मतलब कि आप बोल सकते हो कि नॉवेल्स टाइप के जो होते हैं। इंटेंसिव में हमारे जो होते हैं मालगुडी डेज चलता है, ठीक है, आरके नारायण की जो है पूरी स्टोरी है, मतलब कि जिसमें जो है 8 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस के ऊपर। वैसे जो है 8 लगभग पढ़ाए जाते हैं। तो एक्सटेंसिव की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 पढ़ाए जाते हैं। 4 में से जो है आपके, ये भी डिपेंड करता है आपके कोर्सेज पे कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपके जो है जस्टिस हो जाता है, विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन होता है, द ओल्ड मैन एंड सी होता है, जॉर्ज ऑरवेल होता है, और लास्ट हमारा जो है एनिमल फार्म होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके आपके कॉलेजेस पे। Part 4 की बात करें तो वहाँ पे हमारा कंपोजिशन आता है, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग होती है, लेटर राइटिंग होती है, और नोट टेकिंग होती है। अब हम लोग बात करते हैं Part 5 में। यहाँ पे आपके जो है कंप्रिहेंशन टाइप के जो है क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एंडिंग में आईडी यूज करना, वर्ड स्ट्रेस एंड सेंटेंस स्ट्रेस, इनोनेशन, इस तरीके के टॉपिक आपके आते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बुक में। तो यानी कि इंग्लिश वन में कौन कौन सी बुकें परचेस करने चाहिए। तो देखो, मैं आपको सिंपल यहाँ पे 2 तरीका बताऊंगा। पहला चीज कि अगर आप जो अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ लोगे कौन कौन से बुकें लगेंगे, तो काफी बढ़िया रहेगी। बाकी मैं जो है सेकेंड पे मैं अपने खुद बता रहा हूँ, ये कुछ रेफरेंस की बुकें हैं जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये पिक्चर्स मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप इस पे भी बुक परचेस कर सकते हो, ये रेफरेंस के लिए, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट सेमेस्टर में था तब मैं ये बुकें परचेस किया था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आपने टीचर से पूछे कि कौन कौन से बुकें फर्स्ट सेमेस्टर में लगेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं Paper 2 यानी कि पॉलिटिकल साइंस के। तो पॉलिटिकल साइंस में भी जो है 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉलिटिकल थ्योरी होती है, जिसमें आपके डेफिनेशन पूछ जाती है, साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट पूछ जाता है, सोवरेनिटी होती है, और फिलोसफिकल होता है, ठीक है। तो ये जो है आपके कुछ Part 1 में आते हैं। Part 2 में बात करें तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि यूनिटरी फेडरल पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी आ जाते हैं, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी आ जाती है। और लास्ट में बात करें तो डॉक्ट्रिन्स आ जाती हैं, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, रूल्स ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म की तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये हमारे Part 2 में आते हैं। तो इसमें जो है बुक की बात करें तो आप अपने टीचर से सजेस्ट करिए सब चीजों के लिए, ठीक है, जो जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स होंगे आप उनसे आप सजेशन लीजिए, मैं तो वही आपको प्रीफर करूंगा। अब हम लोग बात करते हैं Paper 3 यानी कि फिलोसफी फर्स्ट की, ठीक है। फिलोसफी फर्स्ट में जो है आपके हिस्ट्री एंड फिलोसफी आ जाती है, ठीक है, इंडियन एंड वेस्टर्न की। तो पहला हमारा जो होता है हमारा इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में देख लीजिए क्या क्या आता है, इंट्रोडक्शन पूछा जाता है फिलोसफी का, साथ ही साथ सिस्टम ऑफ फिलोसफी यानी कि ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स, ठीक है। वहीं आपकी जो है बाद में वेस्टर्न फिलोसफी आती है, जिसमें आपके क्लासिकल रिव्यू माने जाते हैं, जैसे कि प्लेटो, एरिस्टॉटल, डेक्रेट्स, लॉकी एंड कांट,
ठीक है। तो ये जो है पार्ट टू में आते हैं जिसमें वेस्टर्न फिलोसफी ऐड हो जाती है, ठीक है। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं होता है, बस छोटा सा आपको व्यू पहले सेमेस्टर में दिया जाता है। तो आपको मैं बुक सजेस्ट करूँ इसमें, तो आप देख सकते हो स्क्रीन से हमने कुछ बुकें हैं, या तो अपने सजेशन जो है अपने टीचर से ले सकते हो, नहीं तो ये जो है रेफरेंस टाइप की बुकें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं पेपर फोर में, यानी कि सोशियोलॉजी फर्स्ट में, ठीक है। तो सोशियोलॉजी फर्स्ट में आपके जो है जनरल सोशियोलॉजी होती है, जिसमें आपके पांच पार्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पांचों पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिट वन में आपको सोशियोलॉजी पढ़ा जाएगी, साथ साथ इसका स्कोप क्या होता है और इसका मैटर क्या होता है। इसी में आपको जो है सोशल स्ट्रक्चर बताया जाता है, साथ साथ यूनिट टू की बात करें तो यूनिट टू में आपके सोसाइटी एंड असोसाइटी को डिफाइन किया जाता है, साथ साथ ट्राइबल एंड एग्रीगन सोसाइटी को, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को। इसी में जो है आपका स्टेटस एंड रोल भी इंक्लूड कर दिया जाता है। ये तो पार्ट टू था, सॉरी यूनिट टू था ये। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट थ्री में। तो यूनिट थ्री में जो आपके चार पास देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका इंस्टीट्यूशन होता है, एसोसिएशन होता है, सोशल ग्रुप्स होता है, साथ ही साथ जो है रेफरेंस ग्रुप यानी इन एंड आउट ग्रुप के बारे में आपको बताया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट फोर में। तो यूनिट फोर में आपके जो है कम्युनिटी, साथ ही साथ अर्बन कम्युनिटी, थर्ड हमारा रूरल कम्युनिटी एंड लास्ट में जो है रूरल अर्बन कंटिन्यूम। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट फाइव में। तो यूनिट फाइव में आपके जो है चार पार्ट्स यहां भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको सोशलाइजेशन की डेफिनेशन, थ्योरी एंड कल्चरल एंड स्टेपोलॉजी, साथ ही साथ जो रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनालिटी एंड कल्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारा जो सोशियोलॉजी वन का जनरल सोशियोलॉजी आपको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये उसका कुछ सिलेबस था, ठीक है। ये चीजें आपको पढ़ा जाती है और आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसमें जो बुक की बात करें तो आप अपने टीचर से सजेस्ट करिए सब चीजों के लिए, ठीक है। जो जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स होंगे आप उनसे आप सजेशन लीजिए, मैं तो वही आपको प्रीफर करूंगा। अब हम लोग बात करते हैं पेपर फाइव में, ठीक है। तो पेपर फाइव आपका कंप्यूटर होता है। पेपर फाइव में जो आपका काफी ब्रॉड सिलेबस होता है ये, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं व्यू दे रहा हूँ, तो आप जरा से देख लीजिए। देखिए, जो आपने जो है क्लास वन से या फिर जब आप भी कंप्यूटर स्टार्टिंग की होगी अपने क्लासेस में, ठीक है, आप जब स्कूल डेज में रहे होगे, मान लीजिए फोर फाइव में कोई स्टार्ट करता है, कोई वन टू में स्टार्ट करता है, मान लीजिए वन क्लास से आप जो है क्लास नाइन तक जितने भी आपने कंप्यूटर में चीजें पढ़ी हैं, बस प्रोग्रामिंग को छोड़ के, ठीक है, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये सब को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट बनाना कैसे हुआ, साथ ही साथ जो है विंडोज के बारे में, साथ ही साथ जो है वर्ड प्रोसेसिंग के, नोट पैड, वर्ड पैड, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें जो आपके कंप्यूटर में आती हैं, यानी क्लास वन से लेकर नाइन तक आपने जितने भी कंप्यूटर में चीजें पढ़ी थी, वही चीजें यहाँ पे दोबारा रिपीट की जाती है। क्योंकि आपको बता दूं कंप्यूटर जो है आपके आगे सेमेस्टर में नहीं आता, बस आपका कंप्यूटर जो है पहले सेमेस्टर में, यहीं पे आपको पूरा व्यू दे दिया गया है। तो आपको मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं जो जो आपको इंपॉर्टेंट है, साथ साथ देख लीजिए। पहला हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी आपको कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कंप्यूटर है क्या, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, साथ साथ क्लासिफिकेशन क्या है, का डाटा प्रोसेसिंग कैसे करता है, ठीक है। तो ये आपको यूनिट वन में देखने को मिलता है। तो वहीं हम लोग देखते हैं यूनिट टू में। तो यूनिट टू में आपको जो है इंट्रोडक्शन टू विंडोज देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि यूनिट विंडोज किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है, साथ ही साथ इसका जो है यूजर इंटरफेस होता क्या है, साथ साथ इसकी विंडोज की सेटिंग के बारे में बताया जाता है, साथ साथ एडवांस विंडोज के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट थ्री में। तो यूनिट थ्री में आपको जो है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पूछा था कि वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ ओपनिंग डॉक्यूमेंट एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे होता है, साथ साथ इसका मूविंग अराउंड डॉक्यूमेंट कैसे होता है, ये सब चीजें आपको जो है यहाँ पे मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, फॉर्मेटिंग द टेस्ट देखने को मिलता है, साथ साथ प्रिंटिंग भी आपको देखने को मिलता है। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे सब चीजों के बारे में, लेकिन आप कंफ्यूज ना होइए, जब आप अपने सेमेस्टर वन में पहुंचेंगे तो ये मैं जो आपको व्यू दिया हूं, ये पूरा व्यू आपको वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि आपको जो थोड़ा सा जब आप क्लास अटेंड कर लो तो ये वीडियो के बाद दोबारा देख लीजिएगा, आपके जितनी भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यूनिट फोर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको स्प्रेडशीट देखने को मिलती है, जिसमें आपका जो है एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है, साथ साथ मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स कैसे होते हैं, ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पूछी जाती है, साथ साथ इसमें जो प्रोवाइडिंग फॉर्मुलेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट फोर में आता है। यूनिट फाइव की बात करते हैं, यहाँ पे आपका कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरेस्ट आता है, ठीक है, सॉरी इंटरनेट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है लैन वैन क्या होता है, साथ ही साथ जो इंटरनेट क्या होता है, साथ साथ जो है सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाती है इंटरनेट में, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सिक्स की बात करें तो यूनिट सिक्स में आपका जो है www. ठीक है एंड वेब ब्राउजर के बारे में पूछा जाता है, साथ साथ इसमें जो है URL कैसे बनाए जाते हैं, साथ ही साथ जो है चैटिंग किस तरह की जाती है इंटरनेट पे, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। साथ साथ जब लोग बात करें यूनिट सेवन में, तो आपको ईमेल का जो है पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, साथ साथ ईमेल कैसे लिखा जाता है, कैसे आप अटैच करते हो फाइल, ये सब चीजें जो आपको ईमेल में देखने को मिलता है यूनिट
यूनिट 7 में। यूनिट 8 की बात करते हैं, यहाँ पे आपको जो मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन, ठीक है, यहाँ पे कैसे आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, इसका जो है प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स का डेफिनेशन, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी इसमें आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको आगे चल के काम आने वाला है। इसी में आपको जो प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स कैसे हो जाती है, साथ साथ जो क्रिएटिंग ऑफ प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी बुकें होती हैं मैं आपको रेफरेंस के तौर पे बता देता हूँ, ये आप कुछ देख सकते हो, नहीं बाकी अपने टीचर से सजेशन ले सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर काफ़ी इजी होता है, आप इस पर टेंशन ना लीजिए। अगर आप जो क्लास 1 से लेकर 7 तक कभी भी कंप्यूटर यूज़ किए होगे या फिर आप कभी कंप्यूटर चलाए होगे अपने अच्छे से या फिर कभी कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट हमारा जो होता है पेपर 6, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो इंग्लिश 2 पढ़ा जाता है, ठीक है, लीगल इंग्लिश आप इसे बोल सकते हो, ठीक है, एक तरह से आप उसको लीगल इंग्लिश बोल सकते हो। इसमें आपको जो है यूनिट 1 में आपको डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी पढ़ाई जाती है, ठीक है, इक्विटी और मैगजीम के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है, काफी चीजें इसमें होती है, ठीक है। आपको मैगजीम के बारे में पूरा डिटेल बताना होता है, साथ साथ इक्विटी के बारे में डिटेल पूछा जाता है कि इक्विटी होती क्या है और मैगजीम कैसे होता है और डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी कहाँ से हुई, ये सब चीजें आपको जो है पहले यूनिट देखने को मिलता है। तो ये जो चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी साथ हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में आपके जो काफी इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है, जैसे आपको लीगल वोकैबुलरी, ठीक है, पेपर 1 में लीगल टर्म्स याद किए थे वही यहाँ पे भी मतलब बोल सकते हो। इसी में आपका जो मैक्सिम भी आ जाता है और इसी में आपका जो वोकैबुलरी का भी चैप्टर्स कुछ आ जाते हैं, ठीक है, जैसे एब इनिशियो क्या होता है, LIB का मतलब क्या होता है, विस मेजर, अल्ट्रा वायस, पर से, स्टेटस क्वो, ये सब चीजें जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं इस पे वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, काफी चीजें अच्छी मुझे पता है इसके बारे में, तो मैं आपको और अच्छा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो यही हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है सेमेस्टर 1 में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 में, तो यूनिट 3 में आपका जो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लीगल टेस्ट, ठीक है, यानी आपको जो केसेस जो इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ढेर सारे केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि 8 या 9 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। पहला जो हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लीगल टेस्ट है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपसे पूछा था इसमें फैक्ट क्या था, जजमेंट क्या था, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, ये सब चीजें आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है, केस के अंदर हुआ क्या था, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ती है। उसी के साथ जो हमारा दूसरा केस है हमारा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपका जजमेंट, फैक्ट्स और सिग्निफिकेंस। तीसरा हमारा जो है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है, इसका भी जजमेंट, फैक्ट और सिग्निफिकेंस। साथ साथ जो चौथा हमारा जो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, आपको ये केस जरूर से जरूर याद होना चाहिए। साथ साथ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये वाला जो था ये भी इंपॉर्टेंट था। पांचवा हमारा जो है KM ननावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसका भी फैक्ट, जूरी ट्रायल, रिट्रायल, रिफरेंस वर्जन, प्रोसिक्यूशन वर्जन, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। छठवां हमारा केस था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या ऑर्डर आया था ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। साथ साथ हम लोग बात करते हैं सतवां केस, तो सतवां केस हमारा था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेज राज नारायण केस, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट केस है, ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आठवां हमारा जो है SR भौमी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नौवां केस हमारा जो है विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ केसेस है, ठीक है। एक दो केस और है, आप देख लीजिए कि नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली केस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है, ये जो केसेस है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा जो यूनिट 3 में आपको कवर की जाती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट केसेस थे जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 4 में, तो यूनिट 4 में हमारा जो लीगल राइटिंग आती है, जिसमें आपका जो है लीगल न्यूज राइटिंग, लीगल रिपोर्ट राइटिंग, साथ ही साथ लीगल एसे राइटिंग, ये आपके जो है कुछ टॉपिक्स हैं जो कि यूनिट 4 में कवर की जाती हैं। लिखने के लिए नहीं आता है, बस आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आप एक तरह से बोल सकते हो कि लिखने के लिए ही आता है, ठीक है, जब आप एग्जाम्पल डाल के कुछ एक्सप्लेन करोगे तो वो लिखने में ही आ जाएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 में बात करते हैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग के आते हैं, यानी कि लीगल ड्राफ्टिंग आपको जाती है, जैसे कि आपका नोटिस, सिविल सूट एंड एफिडेविट कैसे बनता है, साथ ही साथ जो हमारा क्रिमिनल कंप्लेंट एंड FIR कैसे लॉन्च की जाती है, जिसमें आपका जो डिटेल में पढ़ा जाता है कि FIR जो किस सेक्शन के अंदर आता है, किस में डिफाइन की जाती है, साथ साथ क्रिमिनल कंप्लेंट कब दे सकते हैं, FIR किसको दे सकते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर को देना है या फिर SP को देना है या फिर सीधा मजिस्ट्रेट को देना है,
ये सब चीज़ें जो आपको यहाँ पे कंक्लूड किया जाता है, ठीक है, यूनिट 5 में, जिसमें लीगल ड्राफ्टिंग आती है, ठीक है, साथ साथ जो है यूनिट 6 में हमारा जो है ट्रांसपिरेशन ऑफ लीगल टेस्ट, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है आपके क्लास में ही बता दिया जाएगा इसके बारे में क्या चीज़ें हैं ये सब। तो ये जो 5 यूनिट थी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो है लीगल इंग्लिश आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको जो अच्छे से पढ़िएगा, यही आगे चल के आपका काम आने वाला है। बाकी जो है थोड़ा सा आपको जो व्यू दिया जाता है कि आपका स्टेट कैसा होगा, गवर्नमेंट कैसा होगा, ये सब चीज़ें बाकी सब्जेक्ट में दी जाती है, लेकिन आपका जो है जो लीगल इंग्लिश है यानी कि इंग्लिश 2 आपका जो कि पेपर 6 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, पूरा BLLB फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको जो सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, साथ ही साथ जो है आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है पहले सेमेस्टर में, ठीक है। तो आपको बता दें आपका एग्ज़ाम होगा पहले, तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके अंदर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपका जो 75 नंबर का पेपर रख दिया गया, 100 नंबर में से आपके जो 75 नंबर आपके रिटर्न में होते हैं, साथ ही साथ जो है 25 नंबर आपका वाइवा, साथ ही साथ जो इंटरनल असाइनमेंट होते हैं उस पे दिया जाता है, ठीक है। तो 25 नंबर आपके जो है कॉलेज के हाथ में होते हैं, बाकी जो 75 नंबर जो होते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर जो नंबर चेक करता है या फिर कॉपी जो चेक करता है उसके हाथ में रहते हैं। तो ये जो है था पूरा आपको मैं व्यू दे दिया कि BLLB फर्स्ट सेमेस्टर में होता क्या एक्चुअली में। होप करते हैं आपका जो टाइम था वो पूरा मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया यहाँ पे, साथ ही साथ आपने वीडियो को अच्छे समझा है, मतलब टॉपिक को आपने समझा अच्छे से। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो कि मैंने पूरा कंक्लूड कर दिया, कोई भी पार्ट मैंने मिस नहीं किया, याद रखिएगा कोई भी पार्ट मैंने मिस नहीं किया है, जितनी भी चीज़ें थी यही आपको जो है BLLB फर्स्ट सेमेस्टर में होती हैं, ठीक है। होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, इस लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको BLLB से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स होंगे मैं आपको धीरे धीरे कवर करता रहता हूँ, और जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको कवर करता रहता हूँ कि आपको लॉ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो अभी बेसिक लेवल पे हो, मैं जो है उस फेज से गुजर चुका हूँ। मैं आपको बता दूँ थोड़ा इंट्रोडक्शन के तौर पर, मैं जो है BLLB 5 ईयर का स्टूडेंट था अभी हूँ नहीं मैं था, ठीक है, इसी साल बस कंप्लीट किया हूँ मैंने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो इतना जो है मैं अपने लिए बता सकता हूँ, बाकी और डिटेल जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को बस एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।